आपको बताता हूँ अभी एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और बिल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इस ऐप का नाम है उपाय ऐप। सबसे पहले हमको जाके प्ले स्टोर से ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा ऐप डाउनलोड हो रहा है। इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इस ऐप में सबसे पहले हमको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मैं मेरा अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो हमको एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी हमको यहाँ डाल देना है। ये ओटीपी आ गया है पर डाल के उसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांग रहे हैं। आप सबसे पहले आप देखिए ऊपर लिखा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पे हमको जाके सबसे पहले अपना जो सर्विस कनेक्शन नंबर है वो डालना पड़ता है। आपके बिल के ऊपर वो मिल जाएगा। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर अपना सर्विस कनेक्शन नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने अपना सर्विस कनेक्शन नंबर डाल दिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट एरिया में अर्बन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऐड कर देंगे। मेरा पहले से ऐड है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम बिल देख सकते हैं। बिल पे पे जाकर ये देखिए व्यू बिल है। यहाँ पर मेरा बिल पहले से पेड है तो वो माइनस में दिखा रहा है। बट अगर आपका बिल अगर पेड नहीं है तो आप यहाँ से पेड कर सकते हैं। यहाँ से हम एडवांस में भी जाके मैं चाहूँ तो पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ से बैक जाके देखिए यहाँ पर हम जाएंगे बिल हिस्ट्री पर। यहाँ से हम बिल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस नंबर जो मेरा डला हुआ है अब बस मेरे को सर्च करना है और ये मेरी बिल हिस्ट्री आ गई। अब मैं जिस मंथ का भी चाहूँ वो वाला बिल यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तकरीबन 6 महीने पुराना अपनी बिल हिस्ट्री दिखाता है ये। ये देखिए जैसे आप यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे ये मेरा बिल डाउन। इसमें आप आगे रजिस्टर कंप्लेंट में जाके कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना IVRS नंबर डालना पड़ेगा। जिसको कनेक्शन नंबर भी बोलते हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। IVRS नंबर मोबाइल नंबर। अब ये कंप्लेंट का प्रकार कौन सी कंप्लेंट है जैसे अपन डाल देते हैं यहाँ पर डिले बिल। डिले बिल जैसे अपन सिलेक्ट करेंगे और नीचे हमको लिख देना है कि भाई कब से हमको बिल नहीं मिल रहा है या कितने महीनों से हमारा बिल नहीं आया और उसका रजिस्टर कर देंगे। और इस ऐप के द्वारा ना आप सेल्फ रेटिंग भी कर सकते हैं। क्विक पे भी ये देखिए यहाँ पर क्विक पे आ गया है। यहाँ भी हमको सिर्फ सर्विस नंबर डालना है मोबाइल नंबर डालना है। जैसे तो ये डायरेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया वहाँ से भी पेमेंट हो सकता है तो या फिर आप चाहें तो यहाँ से इस ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और अर्बन सेलेक्टर पर जैसे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना और एक ही ऐप से ना मतलब सारे काम अपने कर सकते हैं। अब ये देखिए सेल्फ रीडिंग ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए हम यहाँ डाला और फिर टेक्स्ट रीडिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जो करंट रीडिंग अपने मीटर में वो यहाँ डाल देनी है।
पूछना है, यहाँ से फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है, तो ये आपकी रीडिंग खुद अपने आप अपलोड वहाँ पर हो जाएगी। तो आप कमेंट में हमें बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।